नमस्कार दोस्तों, डीटीएच टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम भरत है। दोस्तों आज हम अलग सैटेलाइट सेट करेंगे जो नेपाल का है। इसका नाम है MS-4 जो 65 स्पेस सेट होता है। तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये एक पेड सैटेलाइट है। जैसे इंडिया में डीटीएच प्रोवाइडर है, डिश टीवी है, टाटा स्काई है, एयरटेल है, वीडियोकॉन है, ये सब पेड डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर। ऐसा नेपाल में एक है जिसका नाम है होम डिश जो पेड चैनल देता है। तो वो सेटिंग इंडिया में होती है और इसका कवरेज पूरे इंडिया में आता है। तो वो सैटेलाइट कैसे सेट करें वो मैं आपको बताऊंगा। वो बिल्कुल आप आसानी से सेट करेंगे कर सकेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस सैटेलाइट का कवरेज मैप देख लेते हैं। तो ये इमेज है, देखिए। तो आप देखेंगे तो इस सैटेलाइट का कवरेज पूरे इंडिया में आता है। आप ये इमेज में देख सकते हैं, पूरे इंडिया में इस सैटेलाइट का कवरेज दिख रहा है आपको। तो दोस्तों ये सैटेलाइट सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले तो अपने सेटअप बॉक्स में फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ेगी। ये दोस्तों MS-4 की फ्रीक्वेंसी है, आप देख लीजिए। LND फ्रीक्वेंसी में रहेगा 09750 और 10600 और सिम्बल रहेगा 45012। अगर आप 45000 कर देंगे तो भी चलेगा। और ट्रांसपोंडर रहेगा 10857। ये फ्रीक्वेंसी आप नोट कीजिए। दोस्तों ये डिश टीवी का सैटेलाइट है, यानी कि DD3 डिश और NSS-6 दोनों सैटेलाइट सेट है इस पर। और इस पर मोनोब्लॉक लगा है, इसलिए इसमें तीन सैटेलाइट सेट है। SSAT-5 डिश टीवी का, NSS-6 और DD3 डिश का GS-15। तो अब हमारा जो सैटेलाइट नया सेट किया है वो ये है। तो ये सैटेलाइट है MS-4 65। इसमें आपको सेट करने के लिए इसकी पोजीशन आप देख लीजिए। आपको मैं थोड़ा पीछे से भी दिखाता हूँ। हाँ बराबर। दोस्तों ये DD3 डिश का सैटेलाइट है, इस पर ये डिश सेट है। तो अब आपको MS-4 सैटेलाइट सेट करने के लिए डिश को इतना घुमाना पड़ेगा। देखिए MS-4 सैटेलाइट और ये ABS से इतना है, ये ABS है और ये MS-4 है। इसकी थोड़ा सा पीछे से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए शायद आपको दिखेगा, मैंने इसका थोड़ा सा मार्किंग किया था। देखिए ये ABS, ये MS-4 का है और ये ABS-2 का है। तो थोड़ा सा ही ABS से राइट में MS-4 सैटेलाइट सेट होगा। और इसकी LND पोजीशन आप देखेंगे तो गुजरात में ABS की पोजीशन सीधी रहती है, तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो इसकी LND पोजीशन आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस पर कौन से चैनल फ्री आ रहा है। तो फिलहाल मैं आपको टीवी की ओर ले जाऊंगा और देखेंगे सर्च करके कि क्या चैनल आ रहा है। हमारे सेटअप बॉक्स में सिग्नल आ गया है, आप देख सकते हैं। और ये डिश होम की होम चैनल चल रही है। दोस्तों ये नेपाल का सैटेलाइट है, इसमें पेड चैनल आते हैं। मैंने अभी सर्च किया तो हमें 80 चैनल देखने मिले, लेकिन कोई भी चैनल चल नहीं रहा, इसमें ये होम चैनल ही चल रहा है। और दोस्तों एक बात ज़रूरी है कि ये MPEG-4 बॉक्स में ही इसके सिग्नल आएंगे, MPEG-2 में नहीं। लेकिन कोई है नेपाल का बॉक्स यहाँ इंडिया में लाएंगे तो इस पर चैनल आपको चलेंगे और इसके सिग्नल इंडिया में रिसीव होते हैं। दोस्तों ये सब इंडिया के ही चैनल नेपाल में चलते हैं, आप देख सकते हैं। ये स्कैन किया तो ये सब चैनल आ रहे हैं, मैक्स, जी सिनेमा, CMAX, HBO, सब इंडिया के चैनल आ रहे हैं। 80 चैनल सर्चिंग में मिले हैं रिजल्ट में और होम चैनल चल रहा है। फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और